आज हम सीखने वाले हैं तीन ताली गरबा, जो गरबा के बेसिक्स होते हैं दो ताली गरबा और तीन ताली गरबा। तो उसमें से आज तीन ताली गरबा हम सीखने वाले हैं। पैर के मूवमेंट के लिए पहले ये चीज़ बता दूं कि ये सर्कल के अंदर की साइड है और ये सर्कल के बाहर की साइड है। जनरली गरबा सर्कल में ही किया जाता है, तो हमें सर्कल के अंदर की साइड फेस रख के खड़े रहना है और स्टार्ट करना है। तीन ताली गरबा है लेकिन उसमें पैर से चार स्टेप होने वाले हैं। तो क्या होगा, पहले स्टेप के लिए राइट लेग को सर्कल के अंदर की साइड रखना है 1, फिर सेकंड स्टेप में लेफ्ट लेग जो है उसको उठा के राइट लेग के पीछे रखना है 2। ये हो गया 1 एंड 2। फिर से एक बार देख लेते हैं क्या होगा, राइट लेग आगे और लेफ्ट लेग उसके पीछे, ये हो गया 1 एंड 2। थर्ड स्टेप में क्या करना है, सिंपल राइट लेग को उठाना है और लेफ्ट लेग के बाजू में रखना है 3। ये हो गया थर्ड स्टेप। अभी फोर्थ स्टेप के लिए ये लेफ्ट लेग को उठा के राइट लेग के आगे की साइड रखना है, मतलब ये हो गया 4th। तो पहला वे स्टेप हमने क्या किया था, पहले स्टेप में हमने राइट लेग को ऐसे अंदर रखा, फिर लेफ्ट लेग को पीछे लिया सेकंड स्टेप, फिर थर्ड में राइट को साइड में रखा और लेफ्ट को लिया आगे, ये हो गया 4th। ठीक है, अभी इसको फिर से स्टार्ट करना है, मतलब ये तीन ताली का जो पैर का स्टेप है चार स्टेप वो ख़त्म हो गया, लेकिन ये कंटिन्यूस हम खेलते रहते हैं। तो फिर से स्टार्ट कैसे करना, ये जो फोर्थ स्टेप में आपका राइट लेग पीछे पड़ा है, अभी फर्स्ट स्टेप फिर से स्टार्ट करने के लिए ये राइट लेग जो पीछे पड़ा है उसको सिंपल फिर से अंदर ले लो, ये हो गया फर्स्ट स्टेप, फिर सेकंड में फिर से पीछे, थर्ड में साइड एंड फोर्थ में आगे। तो पूरा साथ में एक बार देख लेते हैं क्या होगा, 1 2 3 4, राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट। ठीक है, फिर से 1 2 3 एंड 4। ठीक है, तो ये हो गया पैर से स्टेप। तीन ताली में हार्ट के जो स्टेप है, तीन ताली है तो इतना तो सबको पता है कि उसमें क्लैप होने वाला है, लेकिन गरबा में जनरली बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि वो लोग गलत तरीके से क्लैप करते हैं, मतलब ये क्लैप करते हैं। तो गरबा में कभी भी ये क्लैप नहीं होता, गरबा में आप कभी भी क्लैप करो तो ये क्लैप होना चाहिए। ये कुछ एक रूल जैसा बोल सकते हैं कि ये क्लैप ही होना चाहिए, आप कहीं पे भी क्लैप करो ना। ये स्टेप की बात नहीं कर रहा, कोई भी दो ताली तीन ताली या एक्स वाई जेड कोई भी आप गरबा में स्टेप करो तो क्लैप ये नहीं, ये होना चाहिए, उसको पकड़ना होता है। तो ये पर्टिकुलरली तीन ताली गरबा के हार्ट के स्टेप की बात करें तो पहले स्टेप में क्या होगा, मैं पैर से अभी कुछ नहीं दिखा रहा, सिर्फ हार्ट क्या होगा वो दिखा रहा हूँ। तो लेफ्ट हैंड को आगे रखना है ऐसे और राइट हैंड को उठा के बॉडी के पीछे की साइड से पूरा उठा के ऊपर से लेके राइट के ऊपर करना है क्लैप। ये हो गया फर्स्ट स्टेप, लेकिन इसमें भी मैंने क्या किया, उसको पकड़ा है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा, पीछे से निकाल के 1। अभी सेकंड स्टेप के लिए क्या करना है, ये जो अपना हाथ ऊपर है वो नीचे चला जाएगा और जो नीचे है वो ऊपर आ जाएगा और सिंपल करना है 2। उसमें ज़्यादा हार्ट को खोलना नहीं है, सिर्फ इतना ही होगा 1 एंड 2। 2 में सिर्फ हार्ट को चेंज कर देना है। ठीक है, तो 1 एंड 2 हार्ट के साथ कैसे होगा और पैर के साथ कैसे होगा वो एक बार देख लेते हैं। जब राइट लेग आगे रखेंगे पहले स्टेप में तो होगा राइट हैंड क्लैप, और लेफ्ट लेग जब पीछे रखेंगे उसके साथ होगा लेफ्ट हैंड क्लैप। ठीक है, तो ये जब सेकंड स्टेप हमने क्लैप किया तो हमारी बॉडी हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे रहेगी, अपने लेफ्ट हैंड साइड पे सेकंड स्टेप वाला क्लैप होगा। फिर से एक बार देख लो क्या होगा, 1 एंड 2। अभी थर्ड में, थर्ड के लिए हार्ट का स्टेप क्या करना है, थोड़ा सा ऐसे हार्ट को खोलना है और हार्ट को नीचे की साइड छोड़ना है, ये भी क्लैप करके ही छोड़ना है, लेकिन क्लैप कहाँ पे होनी चाहिए, यहाँ से बीच में क्लैप होगा, वो भी थोड़ा सा ऐसे हल्का पकड़ना है और हार्ट को नीचे छोड़ना है 3। और इसके साथ एक और चीज़ होगी, अपना बॉडी जो है अपर बॉडी उसको थोड़ा सा डाउन करना है थर्ड के साथ 3। तो ये हमने किया था 1 2, अभी 3 के लिए थोड़ा सा हाथ खोल के 3, और उसके साथ बॉडी को जितना पॉसिबल है उतना डाउन करना, ज़्यादा डाउन करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो 1 2 3 सिर्फ हार्ट के साथ दिखाऊं तो क्या होगा, 1 2 एंड 3। ठीक है, तो जो फोर्थ वाला अपना पैर का स्टेप है उसमें क्या करना है, फोर्थ वाले पैर के स्टेप में हमने हार्ट को कुछ भी नहीं करना, क्योंकि ये तीन ताली गरबा है तो चार स्टेप भले पैर से होते लेकिन हाथ से 3 ही करना है। तो हाथ और पैर साथ में 3 कैसे होगा एक बार दिखा देता हूँ, ये 1 2 एंड 3 में पूरा ऑपोजिट साइड हो जाएगा 3। ठीक है, और बॉडी हो जाएगी डाउन, जैसे सेकंड हमने यहाँ पे किया था ना, तो थर्ड अपना यहाँ पे होगा राइट हैंड साइड पे। ठीक है, तो 1 2 3 फिर से कैसे होगा,
1 2 3, और फोर्थ में जब लेफ्ट लेग आगे रखेंगे उसमें हार्ट का कोई स्टेप नहीं होगा, ठीक है। तो 1 2 3 4, फिर से देख लो, 5 6 7 स्टार्ट, 1 2 3 एंड 4। अभी फिर से यहाँ से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। फोर्थ में हार्ट का कोई स्टेप नहीं करना। तो एक बार फिर से ये पूरा देख लेते हैं, 1 2 3, तीन ताली कैसे खेला जाता है। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 एंड 1 2 3, ओके। तो इसमें जो स्टेप हमने सीखा है वो एकदम बेसिक लेवल सीखा है। इसमें आप चाहे उतने वेरिएशन ऐड कर सकते हो, जैसे एक वेरिएशन मैं आपको दिखाऊं तो कैसे हो सकता है, बॉडी को थोड़ा बाउंस लेके भी आप ये स्टेप कर सकते हो। तो वो कैसे होगा, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, ठीक है। तो आप इसमें वेरिएशन अपने ऐड कर सकते हो, लेकिन जो बेस है उसका, वो बेस तो हमने जो सीखा है वही है, सेम रहेगा। तो होपफुली ये वीडियो आपको अच्छा लगा, और आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और जो बेल आइकॉन है उसको भी प्रेस करना, तो मेरे जितने भी वीडियोस है उसका रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और बहुत ही जल्द हम दूसरे वीडियोस के ट्यूटोरियल भी देखेंगे। तब तक थैंक यू, जय माता दी।